हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर विनीता नेगी, मेकिंग मैथ्स लर्निंग इजी एंड सिंपल फॉर यू। आज हम यहाँ पर क्लैडिट्स इक्वेशंस को समझेंगे। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिस इज क्लैडिट्स इक्वेशन और कैसे उसे सॉल्व करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके पास जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की है, ठीक है, और आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्म मिलती है दैट y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन इन p। मतलब आपका जो p है दैट इज dy बाई dx। आपके पास इक्वेशन p में भी मिल सकती है, dy बाई dx में दे रखी है, तो आपने उसे p से रिप्लेस करके ये क्लेरिफाई करेंगे कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो जब आपने देखा कि आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी में कुछ फंक्शन हो सकता है, आपके पास पी स्क्वायर हो सकता है, आपके पास कॉस पी हो सकता है, आपके पास पी अपॉन पी प्लस वन हो सकता है, कुछ भी पी में फंक्शन हो सकता है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं क्लैरिट्स इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलती है तो हम उसे कहेंगे क्लैरिट्स इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी आपको इक्वेशन सीधी सीधी दे रखी होगी y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस P में कुछ भी फंक्शन, कभी नहीं दे रखी है dy by dx में है, तो आप dy by dx को P रिप्लेस करके उसे इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये फॉर्मेट मिल जाता है तो ये कंफर्म हो गया कि आपकी इक्वेशन है क्लैरिट्स इक्वेशन, ठीक है। अब बात आती है इसको सॉल्यूशन की, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन मिली तो इसका जनरल सॉल्यूशन में आपको पी जो मिला इस पी को आप सी से रिप्लेस कर दोगे, सी आपका एक कॉन्स्टेंट है। सीधे सीधे अगर ये फॉर्मेट मिला आपका सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन इन c, p को c से रिप्लेस करके सीधे सीधे आपका वो जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस टाइप की इक्वेशंस का जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो एक सिंगल सॉल्यूशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है तो इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन है। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम इस सी को एलिमिनेट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन के वीडियो में, बट अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आपके पास इक्वेशन क्लैरेट फॉर्म में आती है, क्लैरेट इक्वेशन अगर आपको मिल जाती है इस फॉर्म में, सीधे सीधे आपने पी को सी से रिप्लेस करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पहचानना है कि आपके पास क्लैरेट इक्वेशन है या नहीं। तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी हमें चाहिए। y इज इक्वल टू पी एक्स है, p में फंक्शन आपको log p दे दिया, तो सीधे सीधे p को c से रिप्लेस कर देंगे, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस log c, ठीक है। तो जहां आपको ये फॉर्म मिला आपने सॉल्यूशन में p इज इक्वल टू c पुट कर देना है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है आ गया, हमें नहीं पता कि ये क्लैरिट फॉर्म है या नहीं। आपको क्वेश्चन दे दिया मिक्स y माइनस पी एक्स पी माइनस वन इज इक्वल टू पी, हमें पहले ये चेक करना है कि क्लैरिट फॉर्म है या नहीं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा वाई पी, मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ, पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी। वाई कॉमन ले लेती हूँ मैं इन दोनों टर्म्स में, तो पी माइनस वन ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और बाकी वैल्यूज उधर चली जाती है, पी प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्लैरिट इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी में कुछ फंक्शन होगा, तो वाई इज इक्वल टू समथिंग में लेके आना है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी कि वाई की वैल्यू पी एंड एक्स में कुछ मिल पाए हमें, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, ये जो पी माइनस वन है डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ, और दिस पी अपॉन पी माइनस वन हो गया, प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लिया, p स्क्वायर माइनस p है अपॉन p माइनस वन है। इसको मैं p इंटू पी माइनस वन रिप्लेस कर सकती हूँ फैक्टर करके, तो ये p माइनस वन क्रॉस हो गया, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया केवल p। तो इसी इक्वेशन को आई कैन राइट y इज इक्वल टू, पहले मैं ये वाला टर्म ले लेती हूँ, पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस वन। अब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन एंड p, p अपॉन पी माइनस वन, तो सॉल्यूशन में क्या करना है, p इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट रिप्लेस कर दो, सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट y माइनस सी एक्स एक साथ लिख के, और c माइनस वन इंटू सी भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ये भी है ये भी है, तो मे बी आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी दिया जा सकता है।
ठीक है, बट मेन चीज ये है कि आपको क्लेरेट फॉर्म चाहिए, क्लेरेट फॉर्म मिलनी चाहिए, फिर आप उसे p इज इक्वल टू सी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू 4dx अपॉन dy स्क्वायर। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की बात कर रहे हैं और वहां पे आप dy बाय dx को p से रिप्लेस करेंगे अगर नहीं है तो हमारी इक्वेशन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2xyp इज इक्वल टू 4 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये dx अपॉन dy है इसलिए रिवर्स हो गया। ठीक है जी, ये जो चीज आपको दिख रही है क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसा, y माइनस xp का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन, ओके, तो यहाँ आपको क्लेरेट फॉर्म मिल जाती है। इसे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखूं, दिस इज 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई कैन राइट y माइनस एक्स पी माइनस 2 अपॉन पी, एक फैक्टर आ जाएगा और एक फैक्टर आ जाएगा y माइनस एक्स पी प्लस 2 अपॉन पी इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब आप इसको 0 पुट करेंगे ये आपका क्लेरेट फॉर्म आ जाएगा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 2 अपॉन पी, ये भी आपका क्लेरेट फॉर्म आ जाएगा y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 2 अपॉन पी। सो दोनों से आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है। अब हम इसको जैसे हमने इसको ब्रेक किया दोबारा से इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। सो आपको क्वेश्चन को देखने से ही लग जाना चाहिए कि क्या हमें y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन इन p ऐसा फॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपके पास इक्वेशन p में चाहिए, अगर नहीं है dy by dx को p में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर y माइनस पी एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, y के साथ x स्क्वायर भी है प्रोडक्ट में, y के साथ p स्क्वायर भी है, तो आपको जो फॉर्म मिला y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन इन p, क्लेरेट फॉर्म में आपको यहाँ इक्वेशन नहीं मिल रही। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लेरेट नहीं होते हैं बट उनको हम रिड्यूस करेंगे क्लेरेट फॉर्म में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लेरेट फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं क्लेरेट फॉर्म में, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ होता है दैट यू हैव टू पुट समथिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, या e पावर x को u रख लो, e पावर y को v रख लो, आपको दे रखा होता है। बट कभी अगर नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जिस टाइप का आपने x को पुट किया है वैसे ही आप y को भी पुट करेंगे। सपोज मैंने x स्क्वायर को u पुट किया तो y स्क्वायर को v पुट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि x को u और y स्क्वायर को v ले लिया, सेम टाइप का होना चाहिए नहीं तो वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर को u पुट कर देते हैं एंड y स्क्वायर को v पुट कर देते हैं। तो जैसे हम x और y को u एंड v में रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, आपका जो p है dy by dx वो भी चेंज होगा, तो ये आ जाएगा 2x dx du के इक्वल आ जाएगा, 2y dy dv के इक्वल आ जाएगा। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो dy by dx इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके मिल जाएगा dv अपॉन du मल्टीप्लाइड विद x अपॉन y, ठीक है। इक्वेशन है x स्क्वायर y माइनस पी, पी को हम लिख लेते हैं dy by dx, x क्यूब इज इक्वल टू y dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम p से dy by dx पर वापस ला रहे हैं वैल्यू को, क्यों, क्योंकि हमारे पास dy by dx अब dv और du में रिलेट होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। आपका x स्क्वायर y स्क्वायर चेंज हो जाएगा u एंड v से और dy by dx इस वैल्यू से चेंज हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, ये कुछ हमें ये मिल जाता है uy माइनस dv अपॉन du x अपॉन y x क्यूब y dv अपॉन du होल स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो गया। बट हमारे पास जो वैल्यूज है वो x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो x और y अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है हमें x और y की इवन पावर्स मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। आपके पास लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड ये y है जो डिनोमिनेटर में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके उसको रिजोल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा u y स्क्वायर
माइनस डी वी अपॉन डी यू एक्स पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर ये दोनों मिलके, एंड यहाँ पे डी वी अपॉन डी यू होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपका। जो डिनोमिनेटर में वाई था यहाँ भी वाई था और यहाँ वाई लेके आप उसे रिजोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे सारे टर्म्स एक्स और वाई की इवन पावर्स में, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वी डी वी अपॉन डी यू, ये आपका एक्स पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर यू है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, दिस इज डी वी अपॉन डी यू होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यू आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लेरेट फॉर्म में लेके आना है, बाय सब्स्टिट्यूशन क्लेरेट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हमें इस डी वी अपॉन डी यू को अब पी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लेरेट फॉर्म में आपको पी में ही इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, डी वी अपॉन डी यू को पी रखते जाते हैं और पूरी इक्वेशन में यू कॉमन आ जाएगा, उसको क्रॉस भी करते चले जाते हैं। तो ये आ जाता है वी माइनस पी यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यू आपका तीनों टर्म्स में से क्रॉस हो जाता है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू पी यू प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास क्लेरेट्स इक्वेशन आ गई, बिकॉज y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी था x एंड y में, तो u एंड v में जो क्लेरेट्स इक्वेशन होगी वो हो जाएगी v इज इक्वल टू पी यू प्लस समथिंग फंक्शन इन p, ऐसा ही हमें मिल चुका है। तो हम अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, पी को हम सी रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, तो हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी वी इज इक्वल टू सी यू प्लस सी स्क्वायर, बट हम वी को रिप्लेस कर देते हैं वाई स्क्वायर से, बिकॉज हमें आंसर एक्स एंड वाई में चाहिए। सो सी यू आपका है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज योर सॉल्यूशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो आपके पास अगर आपने देखा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन मिलता है p में, तो ये आपकी क्लैरिट इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे सीधे p को c से रिप्लेस कर दोगे, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके पास क्लैरिट फॉर्म नहीं है, अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिल रही है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, आप उसे क्लेरेट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और इस तरीके से रिड्यूस करने के बाद जो यू एंड वी में क्लेरेट फॉर्म आई उसको आप सॉल्व करेंगे, लास्ट में यू एंड वी को एक्स एंड वाई में रिप्लेस करके फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है, कभी कभी आप अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूशन अज्यूम करोगे। ओके जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।